नल माये असी मत्थे जोड़ ले तेरी चौकट दे नल माये असी मत्थे जोड़ ले। जय हो साचे दरबार की जय। तो आज हमने अपनी इस वीडियो की शुरुआत करी है माता रानी के जयकारे के साथ। इस वीडियो को देख के आपको पता ही चल गया होगा कि आज हम करने वाले हैं माता रानी के दर्शन। ज्यादातर भक्त लोग वैष्णो देवी जाने के लिए ट्रेन में जाना पसंद करते हैं क्योंकि ये सस्ती भी होती है और आरामदायक भी होती है। इसलिए मैं अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रहा हूँ ट्रेन से। तो पहुँच गया तुम्हारा भाई संदीप रेलवे स्टेशन। मेरी जो ट्रेन थी उसका नाम जम्मू मेल था जो कि दिल्ली से 7:55 पर चलती है। तो ये ट्रेन आपको सुबह 8 बजे उतार देती है। तो भैया पहुंच गए माता रानी के नगरी वैष्णो देवी धाम के रेलवे स्टेशन पर। आपको ये ट्रेन सीधा कटरा के रेलवे स्टेशन पर उतारेगी। तो भैया सबसे पहली बात, आपको यात्रा करने से पहले RFID कार्ड बनवाना पड़ेगा जो आपको रेलवे स्टेशन के काउंटर पर ही मिल जाएगा। इसके बिना आप यात्रा नहीं कर सकते और ये 6 घंटे के लिए वैलिड होता है। उसके बाद आपको यहीं से ऑटो या कैब मिल जाएगी माता रानी की मार्केट तक, जहां पर आपको चुनरी चोला माता रानी पर चढ़ावे के लिए लेना होगा जो आप अपनी श्रद्धा के अकॉर्डिंग ले सकते हो, जिसमें ये लोग एक चुनरी छत्र और चोला देते हैं। यात्रा करते टाइम अगर आप लकड़ी का सहारा लेना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ओनली 10 रुपए में। लो जी भैया हो गए तैयार अब माता रानी की यात्रा करने के लिए। आपको ऑटो वाले यहीं पे ड्रॉप कर देंगे और यहीं से ही आपको अपनी यात्रा की शुरुआत करनी पड़ेगी। यात्रा की शुरुआत करने से पहले आपको इस चेक पोस्ट से होके गुजरना पड़ेगा। यहाँ पर महिला और पुरुष की अलग लाइन है। जो भी सामान आप लेके आए हो जैसे कि बैग सारे यहीं पे चेक होंगे। अगर आपके साथ कोई बच्चा भी यात्रा कर रहा है तो आपको उसके लिए प्रैंप यहाँ से मिल जाएंगे जिसके चार्जेस 400 से 450 के बीच है। माता रानी के भक्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि माता रानी के भवन तक की दूरी है 12 किलोमीटर की। माता रानी के भवन तक पहुँचने के हैं 3 तरीके मेरे भाई। पहला है हेलीकॉप्टर, तो उसमें तो जाते हैं बड़े लोग। दूसरा नंबर पे आता है खच्चर, तो मेरे अकॉर्डिंग किसी बेजुबान जानवर पर इतना अत्याचार करना वो भी अपने स्वार्थ के लिए, तो वो तो ठीक नहीं है। और तीसरा है पैदल चलकर, जिसमें अलग ही सुकून मिलता है। यात्रा करते टाइम आपको रास्ते में बहुत सारी दुकानें मिलेंगी जहाँ पर आप अपनी कुछ फोटोग्राफी करवा सकते हो। देखो अगर अब मैं खाने पीने की बात करूँ तो आपको नीचे से लेके माता रानी के भवन तक आपको खाने पीने की बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। 2 से 2.5 किलोमीटर की चढ़ाई करने के बाद आपको रास्ते में देखने को मिलेगी बाणगंगा। मेरी इस बात को ध्यान से सुन लो, ये कोई छोटी मोटी गंगा नहीं है। यहाँ पर माता रानी ने अपने एक ही बाण से हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए पानी निकाला था और इसलिए इसे बाणगंगा कहते हैं। और यहीं पर माता रानी ने अपने बालों को भी धोया था। इससे 1 किलोमीटर की दूरी पर आपको बहुत ही खूबसूरत इच्छापूर्ण मंदिर दिखाई देगा जहाँ पर बजरंग बली की बहुत बड़ी मूर्ति लगी हुई है। तो हो अगर भक्त आप बजरंग बली के तो यहाँ पर आप उनके साथ फोटो खिंचवा सकते हो। जैसे जैसे आप माता रानी के भवन के पास पहुँचते जाओगे आपको नजारा बहुत ही खूबसूरत दिखेगा और आपकी थकान 2 मिनट में दूर हो जाएगी। यात्रा करते टाइम आपको थोड़ी थोड़ी दूरी पर वॉशरूम की फैसिलिटी भी बहुत ही अच्छी मिलेगी, इसलिए यात्रा करते टाइम आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। यात्रा करते टाइम आप देखोगे कि पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए अलग जगह बनाई गई है और घोड़ों के लिए अलग। यात्रा करते टाइम आपको रास्ते में शॉर्टकट भी मिलेगी यानी कि सीढ़ियां, तो आप इनका भी यूज कर सकते हो। लेकिन ध्यान रहे बुजुर्ग लोग सीढ़ियों का इस्तेमाल ना करें क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ते टाइम जल्दी थकान होती है। जब भी आप माता रानी की यात्रा करो ना एकदम मस्ती में मगन होकर करना। मेरे कहने का मतलब है कि नाचते हुए और खुश होते हुए करना, जिससे आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब माता रानी के भवन में पहुंच गए। लो जी भैया फाइनली पहुंच गए हम अर्धकुमारी, जिसे गर्भ जून भी कहा जाता है। यहाँ से हमारी माता रानी के भवन तक की दूरी रह जाती है 6 किलोमीटर की। उसी के साथ आपको खाने पीने के लिए यहाँ पर बहुत ही फेमस शॉप भी मिलेगी जैसे कि सागर रत्ना। अर्धकुमारी में आपको गुफा देखने को मिलेगी। कहा जाता है कि यहाँ पर माता रानी ने 9 महीने इस गुफा में बिताए थे, जिसके दर्शन आपको आसानी से नहीं होंगे। उसके लिए
लिए भैया सबसे पहले आपको पर्ची बनवानी पड़ेगी। उसके लिए आपको पर्ची काउंटर पर जाना पड़ेगा और कहा जाता है जो अर्धकुमारी में गुफा है उसके दर्शन आपको पूरी लाइफ में एक बार ही करने होते हैं। तो मैं आपको सलाह देता हूँ कि माता रानी के भवन जाने से पहले आप यहाँ पर पर्ची बनवा लेना और आते टाइम यहाँ पर दर्शन कर लेना, जिससे आपको ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं अब माता रानी के भवन की तरफ। देखो, यात्रा करते टाइम पानी की बोतल लेके जाना जरूरी नहीं है, उसकी आपको जगह जगह पर फैसिलिटी मिल जाएगी। अगर आप चलते चलते थक जाते हो तो रास्ते में आपको पालकी लेने की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। लो भैया, 12 किलोमीटर की चढ़ाई पूरी करके पहुंच गए माता रानी के भवन में। तो इसी बात पर एक जयकारा माता रानी के नाम, जय माता दी। देखो मेरे भाई, माता रानी के भक्ति इतने हैं कि जिसकी वजह से हमेशा बहुत लंबी लाइन लग जाती है, इसलिए आपको माता रानी के दर्शन करने से पहले लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। मेरी इस बात को याद रखना, माता रानी के दर्शन करने से पहले आपको अपना पर्स, बेल्ट और जितने भी सामान है जैसे कि मोबाइल, स्मार्ट वॉच, वो सब आपको लॉकर में जमा कराने होंगे। तो आपको वहाँ पर लॉकर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी, क्योंकि आप ये सब चीजें वहाँ ले जा नहीं सकते। माता रानी के दर्शन करने के बाद आपको भैरव बाबा के दर्शन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपकी यात्रा जब ही सफल मानी जाएगी जब आप माता रानी के दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन कर लोगे। भवन से भैरव बाबा की 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी है और ये एकदम खड़ी चढ़ाई होने वाली है। तो मेरे भाइयों, आप चाहे कितने ही थक रहे हो, माता रानी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना। भाइयों, अगर मैं लास्ट में बात करूं तो होटल के जम्मू के अंदर आपको ज्यादा कॉस्टली होटल नहीं मिलेंगे, आपको इजीली 500 से 1000 रुपए तक के होटल मिल जाएंगे। तो भैया, फाइनली मैंने भैरव बाबा के दर्शन कर लिए हैं और मैंने अपनी इस वीडियो में सारी चीजें आपके साथ शेयर करी है, दिखाई है। अगर आपने मेरी वीडियो पूरी देखी होगी तो आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मेरे को जो जो भी प्रॉब्लम आई या जिस जिस की भी जरूरत है, और मैंने हर जगह पे आपको छोटी छोटी चीजें से लेके बड़ी बड़ी चीजें भी बताई और सारी चीज दिखाई है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट। मैं फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता रानी की जय।